ये हमारे पास एक टॉप बैंड की इन्वर्टर एसी की पीसीबी है। अब इसको हम चेक करके देखते हैं कि इसमें लगे कंपोनेंट और सप्लाई को हम कैसे ट्रेस करते हैं और कंपोनेंट की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो आपके पास एक क्लैंप मीटर होना चाहिए और क्लैंप मीटर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमको अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो सबसे पहले मैं मीटर को बजर मोड पे सेट कर लेता हूँ। आपके पास जो भी मीटर है आप उसको बजर मोड पे सेट कर लीजिए। और मीटर को बजर मोड पे सेट करने के बाद आप मीटर के दोनों प्रॉब को आपस में टच करके पहले बजर चेक कीजिए। इसके बाद मैं आपको इनपुट सप्लाई से आगे की तरफ की ट्रेसिंग दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कोल्ड टेस्टिंग, इसमें सप्लाई को इन नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पीसीबी में एन लिखा हुआ है। एन का मतलब होता है कि यहाँ पर हमको न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करना है। अब आपको लाइन इस पीसीबी में कहाँ पर कनेक्ट करना है तो आप मीटर को बजर मोड पे सेट करो। इसके बाद मीटर का एक प्रॉब फ्यूज के एक टर्मिनल से इसे कनेक्ट कर लो। और ये रिले दिख रहा है आपको, इसमें दो टर्मिनल है। आप इन दोनों टर्मिनल को पहले बजर चेक करो। दोनों टर्मिनल पे बजर जहाँ पर बजेगा हमको वहाँ पर लाइन सप्लाई को कनेक्ट करना है। तो आइए चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉब मैं फ्यूज से कनेक्ट कर लिया हूँ और दूसरा मैं बारी बारी से इस पर चेक करूँगा। देखिए अभी इस पर बजर बज रहा है और मैं दूसरे पे चेक कर रहा हूँ, देखो इस पे बजर नहीं बज रहा है। ठीक है, तो जिस पे बजर बज रहा है हमको उस पे लाइन कनेक्ट करना है और यहाँ पर न्यूट्रल के टर्मिनल पे हमको न्यूट्रल कनेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर कोल्ड टेस्टिंग में आपको फ्यूज चेक करना है तो बजर मोड पे मीटर को सेट करने के बाद फ्यूज के एक टर्मिनल से एक प्रॉब को और दूसरे टर्मिनल से दूसरे प्रॉब को आप लगा के रखिए। इसमें बजर बजना चाहिए, अगर बजर बज रहा है तो आपका फ्यूज ओके है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, यहाँ पर देखिए एमओबी जो कवर किया हुआ है, एमओबी मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखोगे तो इस पीसीबी में यहाँ पर सिंबल भी मेंशन किया गया है। देखिए इसके नीचे यहाँ पर सिंबल है, आप इस सिंबल से भी इसको पहचान सकते हो। तो इसको भी हम बजर मोड पर चेक करेंगे। आप या तो पीसीबी के बैक साइड से चेक कर लो, बैक साइड में इसके एमओबी के दो टर्मिनल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। मैं मीटर का एक प्रॉब एक टर्मिनल पे और मीटर का दूसरा प्रॉब दूसरे टर्मिनल पे इसे कनेक्ट करूँगा। अच्छी तरीके से आपको कनेक्ट करना है और यहाँ पर बजर नहीं बजना चाहिए। अगर ये मूवी के टर्मिनल पे बजर बज रहा है तो ये मूवी ख़राब है, इसको हम शॉर्ट मानते हैं। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर बजर नहीं बजना चाहिए तो ये मूवी ओके। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है एनटीसी, एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये सर्किट के सीरीज में लगता है, ये सर्किट के सीरीज में लगता है। इसको भी हम बजर मोड पे चेक करेंगे। तो आप फ्रंट साइड से भी चेक कर सकते हो या बैक साइड से भी चेक कर सकते हो। मीटर का एक प्रॉब एनटीसी के एक टर्मिनल से और मीटर का दूसरा प्रॉब एनटीसी के दूसरे टर्मिनल से। यहाँ पर देखिए आपको इसमें बजर बजना चाहिए, सेम लाइक दैट फ्यूज जैसा। अगर इस पर बजर बज रहा है तो एनटीसी ओके है, अगर बजर नहीं बज रहा है तो एनटीसी फॉल्टी है। ओके, अब ये फिल्टर सर्किट है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कॉइल लगा हुआ है, ये फिर कैपेसिटर लगा हुआ है। अब हम आ जाते हैं रेक्टिफायर पर। ठीक है, तो ये कॉइल है, कॉइल के बाद ये कैपेसिटर है, इसके बाद ये नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है रेक्टिफायर, जिसको हम ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। ये क्या काम करता है, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ पीसीबी के बैक साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके चार पिन होते हैं, 1 2 3 4। ये दोनों सेंटर के जो पॉइंट हैं ये एसी सप्लाई के पिन हैं और ये दोनों जो पिन हैं ये आउटपुट हैं इसके। कहने का मतलब ये डीसी सप्लाई के पिन हैं। तो मैं पहले आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि लाइन न्यूट्रल कहाँ पर आ रहा है। तो मीटर को आप बजर मोड पर रखिए इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो बजर मोड सेट है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल के टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर देखिए एन लिखा हुआ है, इसके दो थिम्बल हैं। आप इसके बैक साइड में जाओगे तो यहाँ पर टू पिंस दिखेंगे। एक प्रॉप को यहाँ पर रखिए और दूसरे प्रॉप को आप रेक्टिफायर के किसी भी टर्मिनल पे इसे चेक करो, सेंटर वाले पॉइंट पे दोनों पे। देखिए जिस पे बजर बजेगा वो न्यूट्रल की लाइन होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई आती है। अब इस तरीके से हम पॉजिटिव को भी चेक कर लेंगे। पॉजिटिव को चेक करने के लिए आप फ्यूज का एक टर्मिनल ले लो, यहाँ पर देखिए ये फ्यूज का टर्मिनल है, मैं ये प्रॉब यहाँ रख लिया और इसके सेंटर पे मैं चेक कर लिया, यहाँ पर देख सकते हो आप। पर
पर आप देख सकते हो ये फ्यूज का टर्मिनल है और हम इसको चेक करेंगे कि लाइन सप्लाई कहाँ जा रही है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम मीटर को पहले बजर मोड पे चेक कर लो और इस पर लाइकर लगा होता है, इसको आपको घिस लेना है थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइकर लगा था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूट्रल सप्लाई, ये लाइन सप्लाई, और ये आउट है, ये भी आउट है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव कहाँ और निगेटिव कहाँ पर आता है। तो आप ये रेक्टिफायर देख रहे हो, इसका थोड़ा सा एक कट का निशान है, ये कट का मार्किंग है, आप यहाँ से देख लो थोड़ा सा। इसका शेप में एक तरफ थोड़ा सा कट का मार्क है, ठीक है। तो जिस तरफ कट का मार्क होता है उस तरफ पॉजिटिव होती है सप्लाई, और जिस तरफ नहीं होता है उस तरफ निगेटिव होती है। और इसको एक तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर। इसमें ये वाइट पट्टी है, ये वाइट पट्टी आप देख रहे हो। तो वाइट पट्टी की तरफ का ये टर्मिनल निगेटिव होगा और दूसरी तरफ का ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये था रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें किस पॉइंट पे हमको टेस्टिंग करनी है, और थोड़ा सा मैं इसके कंपोनेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एसी सप्लाई यहाँ से इनपुट होती है, ये न्यूट्रल लाइन, यहाँ से फिल्टर होते हुए रेक्टिफायर पर आती है, फिर रेक्टिफायर डीसी सप्लाई को इस कैपेसिटर के पॉइंट पे कनेक्ट करता है। कनेक्ट मतलब ये सप्लाई जो होती है कैपेसिटर से फिल्टर होती है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो 7805 एक आईसी लगी हुई है, जो कि इस सर्किट में जहाँ पर 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ये आईसी उस टर्मिनल पर 5 वोल्ट प्रोवाइड करती है। जैसे कि सेंसर हो गया, बजर हो गया, और डिस्प्ले का 5 वोल्ट हो गया। यहाँ पर डिस्प्ले का ये कनेक्टर है, यहाँ पर जो 5 वोल्ट आउट होता है वहाँ पर ये आईसी क्या काम करती है, वोल्टेज को रेगुलेट करके हर एक टर्मिनल पे 5 वोल्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेक्शन जो है, ये हमारा डीसी एसएमपीएस का सेक्शन है। एसएमपीएस का मतलब कि इसको जो 310, 320 या 300 वोल्ट होता है उसको हम स्विच कराते हैं इस ट्रांसफार्मर के द्वारा, और इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में हमको 15 से 18 वोल्ट तक मिलता है, कि जिसको हम अलग अलग आईसी से स्विच करा के हर एक सेक्शन में सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो और नेक्स्ट यहाँ पर कनेक्टर है बीएलडीसी मोटर का। इस मोटर में आप देख सकते हो इस कनेक्टर में 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 2 पिन से खाली है और ये एक है, एक पिन है। तो जहाँ पर 1 पिन होता है उसको हम 1 काउंट करते हैं, तो ये 1 हो गया, और ये जो 2 पिन खाली है इसको 1, 2 और 3 मान सकते हैं हम, 4, 5, 6, 7, इसमें टोटल 7 पिनें होती हैं। तो इस पर भी हम लाइव वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको सप्लाई देकर इस पर लाइव वोल्ट चेक करके दिखाऊंगा कि किस पिन पे कितना वोल्टेज आता है, ओके। और डिस्प्ले, कभी कभी डिस्प्ले में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीसीबी में ये जीएनडी लिखा हुआ है। जीएनडी का मतलब ग्राउंड होता है, और यहाँ पर 5 वोल्ट प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हमको इन दोनों पिनों पर 5 वोल्ट डीसी सप्लाई चेक करनी है लाइव टेस्टिंग में। अभी तो हम कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, जब हम सप्लाई दे के यूनिट के अंदर सप्लाई देंगे इसके बाद हम इन दोनों पिनों पर 5 वोल्ट डीसी चेक कर लेंगे, ओके। अब आते हैं रिले पे। यहाँ पर देखिए रिले में यहाँ पर हमने लाइन दे दिया, और इसको हमें जो आउटडोर पीसीबी के लिए यहाँ से सप्लाई आउट होती है, ये कब और कैसे होती है हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम चलते हैं पीसीबी के बैक साइड में। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें पीसीबी में लेकर भी लगा होता है, आपको अगर टेस्टिंग करनी है तो अच्छी तरीके से पहले लेकर को आप रिमूव कर लेंगे, इसके बाद आप टेस्टिंग करेंगे। स्टार्ट। ये हम आ गए हैं पीसीबी के बैक साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिले के इनपुट और आउटपुट टर्मिनल है, ये इनपुट है और ये जो कंप्रेसर के लिए सप्लाई जाती है ये आउटपुट टर्मिनल है, और यहाँ पर इसमें एक कॉइल होती है जिस पे कि हम 12 वोल्ट सप्लाई को इन करते हैं। तो इसके 2 टर्मिनल हैं, हम इस पे रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे, इस कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे कितने ओम्स की इसमें कॉइल है। तो मीटर को आप ओम की रेंज पे सेट कर लो, यहाँ पर आप देख सकते हो मेगा ओम लिखा है, ये ऑटो मीटर है, ऑटो रेंज पे सेट हुआ है। तो हम कॉइल के एक टर्मिनल पे एक प्रॉप को, कॉइल के दूसरे टर्मिनल पे दूसरे प्रॉप को कनेक्ट करेंगे। जैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो 162.7 ओम दिखा रहा है, कहने का मतलब ये कॉइल ओके है। तो यहाँ पर अगर रिले कभी सप्लाई को आउट नहीं कर रहा है तो आप पीसीबी के बैक साइड में इसके दोनों टर्मिनल पे आप वोल्टेज चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर आपको 12 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिल रही है तब ये पीसीबी ओके है, आपका रिले फॉल्टी होगा। कभी कभी इसके इंटरनल कनेक्टर जो टर्मिनल होते हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाते,
जैसे कि इसके इंटरनल जो कनेक्टर हैं, सप्लाई तो आती है कॉइल पे, बट इसके इंटरनल जो टर्मिनल होते हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते, जिससे कि कंप्रेसर के लिए सप्लाई आउट नहीं होती। तो इसको आप इजीली से कर सकते हो, आप इसके कॉइल पे रिले को बाहर रिमूव कर लो या पीसीबी में लगा के एक सप्लाई को इसके रिमूव कर दो और उसके कॉइल पे 12 वोल्ट सप्लाई को इन करके आप दोनों पे चेक कर सकते हो कि कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो सेंसर के कनेक्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये कॉइल सेंसर है, ये रूम सेंसर है। अगर सेंसर आपका ओके है, पीसीबी फॉल्टी है, तो हम कैसे चेक करेंगे? मीटर को डीसी रेंज पर रख लीजिए, पीसीबी के अंदर सप्लाई को इनपुट कर दीजिए। इसके बाद इसके दोनों पिनों पर, साइड साइड से दोनों पिनों पर आप 5 वोल्ट डीसी सप्लाई चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट डीसी सप्लाई आपको मिल रही है तो आपकी पीसीबी ओके है। इसी प्रकार हम रूम टेम्परेचर को भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ रूम टेम्परेचर सेंसर के कनेक्टर पर आप 5 वोल्ट डीसी चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर आपको 5 वोल्ट डीसी मिल रही है तब आपका ये पीसीबी प्रॉपर ओके है, फिर आपको सेंसर रिप्लेस करना पड़ेगा।